पहले मैं इतना टैलेंटेड था, मैं 10 लोगों की आवाजें निकाल लेता था। फिर शादी हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान में रिश्तेदार और कर्ज देने के बाद मांगने वाले का हाल एक ही होता है। रिश्तेदार हमारी खुशियों को देखकर कोयला होते हैं और उधार देने वाला अपने पैसे वापस मांग मांग कर। ख्याल रखा करो अपना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एक फॉलोवर कम हो जाए। आज की वीडियो में हम आपको हमारे पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजाकिया वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गॉसिप टीवी पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि एक अच्छा अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे हीरो मौजूद हैं कि अब कैमरा भी इनके आगे जीरो है। ऐसे टैलेंटेड नो फेस नो केस इंसानों को ऑस्कर में अवार्ड मिलना चाहिए। कभी कभी आपके अंदर ऐसे टैलेंट मौजूद होते हैं कि उनके बाहर आने की देर होती है, बस पाकिस्तानियों के पास वक्त की कमी है। अगर उन्होंने अपने ऊपर गौर करना शुरू कर दिया तो बहुत स्पाइडरमैन बाहर निकलेंगे। राजा लेके आएंगे घोड़े पे बारात। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी चेक करें। ये पाकिस्तानी घोड़ा है, सिंड्रेला का नहीं। आप बस खुशी के लड्डू चेक करें। दोस्तों, हमारे सियासतदान और कुछ दफ्तरों में काम करने वाले लोगों का बस चले तो ऐसे बैठ दफ्तरों में आ जाएं। वैसे आपस की बात है, उन्होंने फिर रिमोट चलाने के लिए एक बंदा अलग से हायर कर लेना है और फिर खाना टोस्ते रोते रह जाना है और बस थकते रहना है। और जो बंदा हायर करना है ना, उनकी तनख्वाहें भी फिर हम आवाम नहीं अदा करनी है। दोस्तों, वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। ये तकलीफ सिर्फ ऐसे मिंगल हजरात ही समझ सकते हैं, खुद ही देख लें। दोस्तों, आजकल ना हमारे यहाँ सैलरी एक्सपेक्टेशंस सब उड़ चुकी है। अगर कुछ नहीं उड़ा तो वो है महंगाई, फैलाने वाले हुक्मरान। फिर इनका टैलेंट चेक करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मौत का क्या साये, जब घर वाले काम कहते हैं उसी वक्त आ जाती है। कुछ पापा की परियां इतनी आलसी होती हैं कि काम से ज्यादा मौत को गले लगा लेंगी। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई। दोस्तों, हमारी आवाम को ना टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि अब टेंशन ना भी होना तो टेंशन होने लगती है। इस लड़के का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, और से देखिए। मम्मी, हाँ बोल। अरे मेरी उम्र कितनी होगी? अगले महीने 28 का हो जाएगा, तो मेरा ब्याह क्यों नहीं करते? मजा बड़ा करके बेचोगे के? दोस्तों, कुछ लोगों का ध्यान ना कहीं और बहुत ज्यादा रहता है। फिर इसके नुकसान चेक करें। आ,
अभी मजा आएगा ना। दोस्तों इस लड़की का अपने काम पे फोकस चेक करें, चांद पे पहुंचने का राज आज समझ आ जाएगा। गाइस आप सब रो लो, दुल्हन डांस स्टेप करने के बाद रोई, इस पापा की परी के काम चेक करें। हमारी पाकिस्तानी आवाम ना कोई भी काम अंजाम दे सकती है। ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साइड इफेक्ट्स चेक करें। दोस्तों अब पाकिस्तान में खैरियत पूछने का जमाना ही नहीं रहा। जब किसी को ऑनलाइन देखो तो समझ जाओ कि सब ठीक है। अल्लाह पाक सबको ऑनलाइन रखे, आमीन। लाजमी बोलिएगा, इतनी मेहनत अगर हम लोग किसी और चीज में कर लेते तो आज बहुत आगे होते। इन पापा के परों के काम चेक करें। रिपोर्टर कहती है कि क्या आपको एक्सीडेंट हुआ है? आगे से जवाब आता है कि नहीं, मेरी आदत है शीशा तोड़ के बाहर निकल। हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का भी कोई ऐसा ही सीन दिखाई देता है। गली गली में शोर है, साइकिल पे एक बंदा चोर है। जिंदगी और मोबाइल पाकिस्तान में एक सी हैं, जिनका कोई एतबार नहीं है। अब इस बंदे के जज्बात और हालात को बदलता देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स पे अपनी राय से लास्ट, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।